भाई आप कितना कितना काश्त है सरसों की और गोभी की? देख रहे हैं पूरे सरसों जिसमें 12.5 एकड़ गोभी और 12.5 एकड़ किनोला है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिदाउस अनमजान व्लॉग। अच्छा तो व्यूअर्स, हम आए हैं सरसों घूमने के लिए, जो तो मैं आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूँ। हम आए हैं सरसों घूमने के लिए। मेरे कज़न खलील अहमद का ये सरसों है ना, ये कनोला काश किया हुआ 1 मुरब्बा। तो और मेरे साथ हैं इनाम मखमूद, जो इनकी गंदम काश की हुई थी वो भी देखने के लिए, और इनका सरसों भी देखा, कमाल का सरसों है। ये मेरे साथ ही खड़े हैं मेरे कज़न खलील अहमद, और ये मेरे साथ हैं इनाम मखमूद। भाई आप कितना कितना काश्त है सरसों की और गोभी की? देख रहे हैं पूरे सरसों जिसमें 12.5 एकड़ गोभी और 12.5 एकड़ किनोला है। अच्छा, आप देख सकते हैं, अच्छा है, हमें तो अच्छा लग रहा है, आप अच्छा बता सकते हैं? नहीं माशाल्लाह यार, भी ज़बरदस्त है, इसकी जितना तारीफ़ कीजिए उतना कम है। लेकिन अभी भी ये अपना फूल निकाल रहा है और बहुत ही खूबसूरत, ये देखो सर सब्ज़ है अभी दो, माशाल्लाह ज़बरदस्त, जितना तारीफ़ की जाए उतना कम है। अच्छा तो ये बता सकते हैं ये सरसों के अंदर ये कौन सा पौधा उगा हुआ है? ये इसको सरेकी में तो आग कहते हैं, उर्दू में मुझे मालूम नहीं क्या कहते हैं। हाँ आप बता सकते हैं, बाजार टीचर हैं आप तो खैर। नाज़रीन आप देख सकते हैं ये जो पौधा ना, नज़दीक कैमरे में नज़दीक ले जा सकता है, ये जो आग का पौधा है ना बड़ा कड़वा होता है, ये जब आपको सांप डसता है ना तो ये बड़ा फायदेमंद होता है। या आपको कोई चोट लगे, कोई चीज़ ऐसी चीज़ डस जाए, तो ये चीज़ आप जब बांधेंगे तो आपको उससे उसकी जहर जो है वो उससे बाहर निकल आएगी। अच्छा तो इनाम भाई आप बता सकते हैं कि आपको सरसों कैसा लगा? सरसों तो अल्लाह पाक के फजल करम से बहुत अच्छा है, और आप दुआ करें इसको मजीद अल्लाह पाक इसको बरकत दे ताकि हमारी जो रोज़ी रोटी है इसी से वाबस्ता है। और हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ आए और हमारा सरसों देखा और दुआ की, और बहुत शुक्रिया फिदाउस अनमजान। कोशिश करें इसके जो व्लॉग हैं या जो इसके पेज पर आज चीज़ें आती हैं उनको आप फॉलो भी करें और इसको शेयर भी करें ताकि भाईजान की जो बातें हैं बहुत सारे लोग देख सकें और बहुत सारे लोग अहबाब इसके तवज्जो दें। थैंक यू।